आज चूरू में अणुव्रत न्यास जीवन अकादमी की स्थापना के लिए यहाँ के प्रमुख लोग इकट्ठे हुए हैं। विद्यार्थियों में अनुशासन के, देशभक्ति के, परिवार भाव के, योग्य नागरिक बनने के सुसंस्कार जागृत हो, इसके लिए चार प्रतियोगिताएं पूरे देश में इस अकादमी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, उनकी रूपरेखा बनाई है और बहुत बड़े स्तर पर प्रतियोगिता में अधिक से अधिक विद्यार्थी भाग ले, शिक्षा क्षेत्र के लोग जुड़े, इस उमंग के साथ आज की यह बैठक बहुत सफल रही। गठन करने के पश्चात इसके रूप की पूरी निर्धारण स्थिति आपके सामने ला दी जाएगी। आचार्य श्री तुलसी ने स्वतंत्रता के आसपास ये अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया। जैन परंपरा में महाव्रतों का जोर है, बहुत कठिन चर्या है वो, हर व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं कर सकता। उन्होंने आम आदमी के समझ में आए, एक मजदूर किसान से लेकर एक सांसद तक अपनी बात किस तरह से प्रामाणिक जीवन जिए वो, उसके संदर्भ में इन्होंने अणुव्रत आंदोलन प्रारंभ किया। आज ये जगह जगह गाँव ढाणी तक फैला है और आज चूरू में बैठकर हमने चर्चा की किस तरह से हम सार्थक इन प्रयोगों को और आगे बढ़ा सकते हैं, इस संदर्भ में आज यहाँ हम सब लोग बैठे। अग्रज भाई श्री कमल सिंह जी, ओम प्रकाश जी, सबसे पहले तो प्रसन्नता की बात है कि आज जैन श्वेतांबर तेरापंथी विद्यालय में हम लोग एक ऐसे कार्य के लिए इकट्ठा हुए हैं जो किसी समाज विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है और एक प्रकार से सभी समाजों से जुड़ा हुआ है। यह है विद्यार्थियों में संस्कारों का रोपण। संस्कार रोपण के अनेक माध्यम होते हैं, शिक्षा उसका एक माध्यम है और शिक्षा क्षेत्र से हम सब जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा क्षेत्र एक बहुत सशक्त माध्यम है जो विद्यार्थियों में संस्कारों को रोपण किया जा सकता है। अखिल भारतीय अणुव्रत न्यास नई दिल्ली उसका एक उपक्रम है अणुव्रत जीवन विज्ञान अकादमी। अणुव्रत जीवन विज्ञान अकादमी के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर चार प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। वैसे अनेक और दूसरे कार्य भी होते हैं लेकिन शिक्षा क्षेत्र और विद्यालय से जुड़ी हुई ये चार प्रतियोगिताएं बहुत सुंदर ढंग से पूरे देश में चलाई जा रही है और लगभग अब तक 19 राज्यों से लाखों विद्यार्थी और हजारों विद्यालय से जुड़े हुए हैं। सुदूर इधर देखें तो उत्तराखंड कश्मीर तक के लोग आते हैं और इस साइड में केरल तक के लोग आते हैं, तो काफ़ी विस्तार से इसका काम हो रहा है। चूरू, सरदार शहर, रतनगढ़, पटियाला, छापर, चाड़वास, लाटू, सुजानगढ़, जसवंतगढ़, इन क्षेत्रों में अब नया ये काम हम लोग प्रारंभ करना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पर पहले ये कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी अणुव्रत के माध्यम से, अब आपका सहयोग इसलिए चाहिए कि चार प्रतियोगिताओं की जानकारी मैं पहले दे देता हूँ। पहली प्रतियोगिता है अणुव्रत नैतिक गीत गायन प्रतियोगिता। ये निवेदन करूँगा मैं आदरणीय बंधुओं से जो यहाँ उपस्थित हुए हैं कि कम से कम 13 संख्या हमने मिनिमम बताई है, अधिकतम संख्या कितनी भी हो सकती है। ये पहला साल है, कोई सदस्यता शुल्क नहीं है, आप इससे जुड़ें और आचार्य महाप्रज्ञ के इस जीवन विज्ञान जितना हो सके समाज में आगे बढ़ाएं। ये जितने संस्कारों को हम पल्लवित कर सकते हैं, बीजों का रोपण कर सकते हैं, उतना ही हमारा समाज का और देश का, राष्ट्र का भला होगा। विशेष निवेदन आपसे एक बार पुनः कि कम से कम 13 और अधिकतम जितने भी आप मेंबर बना सके चुन। अब ये तो केवल एक प्रतियोगिता हो सकती है, बाकी और वो तो ढूंढ ही रहे, उनका अपन जोड़ रहे सब। अभी हम वो संतों के ठिकाने भी वो कब ठीक है क्योंकि ये किसी समाज से जुड़ा हुआ नहीं है।